हेलो एंड वेलकम टू द जनसूचक। मैं प्रकाश नामदेव आज आपके लिए लाया हूँ वीकली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें मैं आपको 6 जून से 13 जून तक के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ और उसके बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताऊँगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, महिला एशियन कप 2022 कहाँ आयोजित होने वाला है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में। हमारा प्यारा भारत जो है अभी महिला एशियन कप 2022 की मेजबानी करेगा। दोस्तों ये किसकी सिफारिश से हुआ है? तो एशियन फुटबॉल फेडरेशन, माफ़ करिएगा, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन मतलब AFC की सिफारिश के कारण जो है ये भारत में होना सुनिश्चित कर दिया गया है। अब AFC के बारे में जान लेते हैं। तो AFC का जो हेड क्वार्टर है वो कुआलालंपुर में है, मलेशिया में, और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो आप याद रखेंगे, शेख सलमान बिन अब्राहम अल खलीफा। कौन? शेख सलमान बिन अब्राहम अल खलीफा। तो आप ये भी चीज़ें याद रखेंगे दोस्तों। ये 1979 के बाद दूसरी बार होगा जब ये टूर्नामेंट भारत में होगा। तो आप ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे, इसके कारण ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और दोस्तों अभी एक चीज़ और आप कर लेंगे कि भारत की जो संस्था है फुटबॉल फेडरेशन उसका क्या नाम है? तो AIFF मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो उसके अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में HDFC बैंक ने कौन सा अभियान शुरू किया? दोस्तों अभी हाल ही में HDFC बैंक ने समर ट्रेड्स अभियान जो है शुरू कर दिया गया है। अब ये अभियान क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये अभियान जो है वो बड़े उपकरणों के लिए नो कॉस्ट EMI और नो पेमेंट की पेशकश करेगा। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इसमें कुछ कैशबैक की सुविधाएं भी दी जाएंगी HDFC बैंक के द्वारा। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। दोस्तों HDFC के बारे में जानते हैं, इसके जो वर्तमान में MD हैं वो कौन है? आदित्य पुरी। तो वो भी आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DLF के अध्यक्ष के पद के से कौन सेवानिवृत्त हो गए मतलब रिटायर हो गए? तो दोस्तों अभी याद रखिएगा, कुशाल पाल सिंह जो हैं अभी DLF के अध्यक्ष के पद से जो है सेवानिवृत्त हो गए हैं मतलब रिटायर हो गए हैं। और उनकी जगह कौन लेगा? तो दोस्तों अभी राजीव सिंह जो हैं वो DLF के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। ये भी आप याद रखिए। दोस्तों DLF क्या है? तो DLF एक कंपनी है, उसका पूरा नाम क्या है? तो दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका हेड क्वार्टर दिल्ली में है। ये भी आप याद रखेंगे। दोस्तों कुशाल पाल सिंह जी जो हैं वो 1995 से DLF के साथ अध्यक्ष हैं। और ये जुड़े कब से हैं? तो 1946 मतलब कि जब स्थापना हुई थी तब से ये जुड़े हुए हैं DLF कंपनी के साथ। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये चिरंजीवी सर्जा जो हैं वो जाने माने कन्नड़ अभिनेता हैं। आप इनकी इमेज यहाँ पे देख सकते हैं, वो चिरंजीवी सर्जा यही हैं, जाने माने अभिनेता चिरंजीवी सर्जा, इन्हीं का भी निधन हो गया है। दोस्तों इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। इनकी पहली फिल्म कौन सी थी? तो वायुपुत्र इनकी पहली फिल्म थी। और इनकी आखिरी फिल्म कौन सी थी? तो शिवार्जुना इनकी आखिरी फिल्म थी। तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? अब ये दिवस वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये कब मनाया गया है? तो 7 जून को ये मनाया गया है। तो इसको मनाता कौन है? तो इसको मनाता है FAO मतलब खाद्य एवं कृषि संगठन, FAO खाद्य एवं कृषि संगठन। तो इस साल की दोस्तों थीम क्या है इसकी? तो इस साल की थीम है फूड सेफ्टी एंड एवरीवंस बिजनेस, इसकी जो है थीम है। और इसको मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? तो विभिन्न खाद्य जनित जोखिमों और उसके रोकथाम के उपायों के बारे में
लोगों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। दोस्तों आपको मैंने FAO के बारे में बताया, तो FAO के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। FAO है क्या? तो ये एक WHO की संस्था है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो रोम इटली में। तो ये भी आप याद रखेंगे। दोस्तों ये डेट वाला क्वेश्चन है, तो एक बार जून के सारे डेट हम रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया था, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया था, 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया था, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया था, 14 जून को विश्व रक्त दादा दिवस मनाया गया था और 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया गया था। तो आप ये चीज़ें आप एक बार रिवाइज कर लेंगे और कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखने की ट्राई करेंगे। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैंसर के जल्द इलाज के लिए किसने मैग्नेटो कैलोरिक सामग्री तैयार की है? दोस्तों अभी ARCI मतलब इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर ने अभी कैंसर की जल्द की इलाज के लिए मैग्नेटो कैलोरिक सामग्री तैयार की है। अब ये मैग्नेटो कैलोरिक सामग्री होती क्या है? तो ये एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें एक चुंबक लगाने या हटाने से वस्तु गर्म व ठंडी हो सकती है, इससे कैंसर का इलाज संभव है। तो आप ये भी याद रखेंगे। ARCI के फुल फॉर्म आपको बता दिया मैंने, इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर मतलब अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र। तो आप इतनी चीज़ें इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 समूह ने COVID-19 महामारी के लिए कितनी सहायता राशि देने का ऐलान किया है? तो दोस्तों अभी G20 समूह ने COVID-19 महामारी के लिए $21 बिलियन से अधिक जो है वो सहायता राशि का देने का ऐलान कर दिया गया है। तो आप याद रखेंगे। दोस्तों ये G20 समूह होता क्या है? तो G20 समूह जो है एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो हर महाद्वीप के विकसित और विकासशील दोनों देश के नेताओं को एक मंच की पर साथ लाता है। दोस्तों G20 में 19 देश और एक यूरोपियन जो समूह है वो जुड़े हुए हैं, और इसके वर्तमान में अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो सऊदी अरब इसकी वर्तमान में अध्यक्षता कर रहा है। इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में मोनिका मोहता, ये हैं मोनिका मोहता जी, और इन्हीं को स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत बना दिया गया है। दोस्तों ये 1985 बैच की IFS ऑफिसर रह चुके हैं। तो इतनी चीज़ें आप इनके बारे में याद रखेंगे। और ये जो है सीबी जॉर्ज की जगह लेंगे, और सीबी जॉर्ज कहाँ जाएंगी? तो सीबी जॉर्ज कुवैत जाएंगी, कुवैत की उनको राजदूत बनाया दिया गया है। दोस्तों एक और राजदूत अभी नियुक्त किया गया है रोमानिया में, राहुल श्रीवास्तव जी को। तो इतनी भी चीज़ें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो दोस्तों अभी हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जावेद अख्तर जी जो हैं बन गए हैं। यही हैं जावेद अख्तर, आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं, इन्हीं को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जो है मिल गया है। दोस्तों ये रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार देता कौन है? तो सेंटर फॉर इक्वालिटी देता है, और ये कब से स्टार्ट हुआ है? तो ये 2003 से स्टार्ट हुआ है। और ये देते किस आधार पर हैं? तो तर्कसंगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास और मानवीय मूल्यों को जो अहमियत देने पर बात करता है, उन्हीं को ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है। तो आप इतनी चीज़ें याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में मणिपुर में किन्होंने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों अभी मणिपुर में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन मणिपुर के CM N. बीरेन सिंह जी ने कर दिया है। इसका उद्देश्य क्या है?
तो कृषि और बागवानी के माध्यम से मणिपुर की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना ही इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दोस्तों, प्लांट हेल्थ केयर जो है क्लिनिक है, उसी के साथ एक मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला वैन भी इन्होंने लॉन्च कर दी है। दोस्तों, मणिपुर के बारे में जानते हैं, तो मणिपुर की जो कैपिटल है वो इम्फाल है। इसके सीएम, आपको बताया, सीएम जो है एन वीरेन सिंह है, और गवर्नर कौन है, तो नजमा हेपतुल्ला गवर्नर है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने COVID-19 के लिए कौन सा ऐप लॉन्च कर दिया है? तो दोस्तों, अभी COVID-19 के लिए जितेंद्र सिंह जी ने कोविड बीप ऐप लॉन्च कर दिया है। इसका पूरा नाम क्या है? तो कॉन्टीन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इन्फॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड ECIL ESIC पॉड जो है इसका पूरा नाम है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज जानकारी है, आप इसको याद रखिएगा। दोस्तों, इसको विकसित किसने किया है? तो IIT हैदराबाद और परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज हैदराबाद ने इसको जो है बनाया है। और इसको लॉन्च किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने इसको लॉन्च कर दिया है। इतनी चीज़ें आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने APEMC की ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट जो है लॉन्च कर दी है? तो दोस्तों, अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है APEMC जो है वो ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट जो है लॉन्च कर दी है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आंध्र प्रदेश इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन जो है इसका पूरा नाम है। दोस्तों, ये जो वेबसाइट है विश्व पर्यावरण दिवस मतलब 5 जून को लॉन्च की गई थी, ये इसलिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। और इसको बनाया क्यों गया है? तो कचरे के वैज्ञानिक निपटारे के लिए और पूरे राज्य के कचरे की निगरानी करने के लिए इसको जो है बनाया गया है, तो आप ये भी याद रखेंगे। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो अमरावती है, इसके जो सीएम है वो जगन मोहन रेड्डी हैं, और गवर्नर कौन है, तो विश्वभूषण हरिचंदन इसके गवर्नर हैं, आप ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ई बाई वर्ल्ड एंटरप्रेनर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में किरण एम शाह मतलब किरण मजूमदार शाह जी जो हैं ई बाई वर्ल्ड एंटरप्रेनर ऑफ द ईयर 2020 खिताब जीतने वाली महिला बन गई। ये कहाँ की अध्यक्ष हैं? तो बायोकॉन लिमिटेड की ये कार्यकारी अध्यक्ष हैं। दोस्तों, ये भारत की पहली महिला उद्यमी हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है, और विश्व की दूसरी जो है महिला महिला उद्यमी है जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। और आपको बता दें कि 20 सालों के इतिहास में ये खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय है। तो पहले दूसरे कौन थे? तो पहले थे एन आर नारायण मूर्ति, जिन्होंने 2005 में ये पुरस्कार जीता था, और दूसरा पुरस्कार किसने जीता था? तो उदय कोटक, जो कि 2014 में जीता था। और अभी तीसरे कौन है? तो किरण मजूमदार सौ जी ने, तीसरी भारतीय ऐसी हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीत लिया। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया? तो दोस्तों, अभी गैरसैंण जो है इसे अभी उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया है। दोस्तों, ये एक गैरसैंण जो है चमोली जिले की एक राजधानी तहसील है, इसी को अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया है। दोस्तों, अब उत्तराखंड के बारे में कुछ चीज़ें और जानते हैं। जो उत्तराखंड की जो है कैपिटल वो देहरादून है। अब ग्रीष्मकालीन राजधानी को मतलब कैपिटल किसे बना दिया गया? गैरसैंण को। और इसके सीएम त्रिवेंद्र सिंह हैं और गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड ने खुद को कब कोरोना वायरस फ्री घोषित कर दिया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने 5 जून को कोरोना वायरस फ्री घोषित कर दिया है। दोस्तों, ये जो उपलब्धि है इन्होंने 75
दिनों के कड़े प्रतिबंध के कारण प्राप्त की है। अब यहाँ एक भी मरीज जो है एक्टिव नहीं, तो आप ये भी याद रखेंगे। अब न्यूजीलैंड के बारे में बात आई है, तो न्यूजीलैंड के बारे में जानते हैं। इसकी कैपिटल वेलिंगटन है, इसकी जो करेंसी है यो न्यूजीलैंड डॉलर है, और इसके पीएम कौन है, वो जैकिंडा अर्डर्न है, इनके पीएम है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम जो है शुभारंभ कर दिया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो है शहरी स्ट्रीट वेंडर कार्यक्रम शुरू कर दिया है दोस्तों। तो शुरू किसने किया है, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू कर दिया है दोस्तों। इसी के साथ एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, mpurban.gov.in, और मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना भी इन्होंने शुरू कर दिया है, तो आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों। एक और फैक्ट है कि वर्तमान कोविड-19 परिस्थिति को देखते हुए विकास के उद्देश्यों से सरकार ने 22,800 ग्राम पंचायतों को 1,555 करोड़ रुपए जो है इसी योजना के फलस्वरूप जो है प्रदान किए हैं, आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों। मध्य प्रदेश के बारे में बात यही है, तो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो इसके जो कैपिटल है वो भोपाल है, इसके वर्तमान में सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं, और वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो लालजी टंडन इसके गवर्नर हैं, आप इतनी चीज़ें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 से बचाव के लिए अनन्य फॉर्मूलेशन तैयार किया है। तो दोस्तों अभी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब डाइट ने इसे अनन्य फॉर्मूलेशन जो है तैयार किया है। अब इसको इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है, तो कोई भी व्यक्ति इसको इस्तेमाल कर सकता है, और इसके साथ हेल्थ केयर वर्कर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये है क्या, तो आपको बता दें, एक लिक्विड है जो कि पीपी किट वगैरह को भी जो है स्वच्छ कर देता है, और इसको आम आदमी भी यूज कर सकते हैं, तो आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों। डाइट के बारे में जानते हैं, डाइट है क्या, तो डाइट का जो मुख्यालय है वो पुणे महाराष्ट्र में है, इसके जो वर्तमान में कुलपति हैं वो सीपी राम नारायण है, इसके कुलपति हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों ने फ्लाई जाए मतलब FLYZY मोबाइल ऐप विकसित किया है। तो दोस्तों अभी आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों ने फ्लाई जाए मोबाइल ऐप विकसित किया है दोस्तों। ये जो ऐप है वो भविष्य में हवाई अड्डों की पूर्ण सॉफ्टवेयर प्रणाली को बदले बगैर फेस बायोमेट्रिक मान्यता का समर्थन करेगा दोस्तों। ये आईआईटी गुवाहाटी है कहाँ, तो असम के एक शहर गुवाहाटी में आईआईटी है, और गुवाहाटी किस नदी के किनारे है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। और असम के बारे में कुछ जानकारी और लेते हैं, असम की जो कैपिटल है वो दिसपुर है, इसके सीएम सर्वानंद सोनोवाल हैं, और गवर्नर जगदीश मुखी हैं, आप इतनी चीज़ें इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल को कितनी राशि का ऋण प्रदान किया है। तो दोस्तों अभी विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल को 1,950 करोड़ रुपए जो है प्रदान किए हैं। ये क्यों दिए हैं, तो कोविड-19 स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्यों को करने के लिए इसको दिया गया है दोस्तों। ये दो चरण में इसकी जो है राशि उपयोग में लाई जाएगी, जिसमें 850 करोड़ जो है विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे, और 1,100 करोड़ रुपए जो है औद्योगिक अवसंरचना तैयार करने के लिए किए जाएंगे, तो आप इतनी चीज़ें याद रखिएगा दोस्तों। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात आई है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में है। इसमें वर्तमान में के सदस्य देश कितने हैं, तो 189 देश जो हैं सदस्य देश हैं, और अध्यक्ष के कौन हैं इसमें, तो डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं, और MD CEO कौन है, तो अंशुला कांत हैं। इतनी चीज़ें आप विश्व बैंक के बारे में याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल के बारे में याद रखने लायक चीज़ क्या है, तो उसकी कैपिटल क्या है, तो कोलकाता है, सीएम ममता बनर्जी,
और जो गवर्नर हैं वो जगदी धनगढ़ हैं, आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट का न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो वकील जावेद इकबाल वानी को अभी जो है जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश बना दिया गया है। दोस्तों इससे पहले वे 2019 में लगभग 11 महीने तक जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुके हैं, अब इनको नया न्यायाधीश बना दिया गया है, आप याद रखेंगे इतनी चीज़। दोस्तों जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं, तो जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और इसके उप गवर्नर कौन है? तो जगदीश चंद्र मुर्मू इसके क्या हैं? उप गवर्नर, आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों अभी हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने जो है पंचवटी योजना का शुभारंभ कर दिया है। तो इसको शुरू किसने किया है? तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जो है इसको शुरू किया है। दोस्तों राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना जो है शुरू की गई है, और इस योजना के तहत क्या होगा? तो इस योजना के तहत बुजुर्ग लोगों के लिए पार्क व उद्यान बनाया जाएगा जहां वो टहल सकेंगे और अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रख सकेंगे, तो आप ये भी याद रखिएगा। दोस्तों इसे ग्रामीण विकास की मनरेगा योजना के तहत क्रियान्वित किया जाएगा। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं, हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है शिमला है, सीएम जयराम ठाकुर हैं और गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय इसके गवर्नर है, तो ये इतनी चीज़ें आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ गहन जलमग्न बचाव वाहन जो है का अनावरण हुआ? तो दोस्तों अभी विशाखापट्टनम में जो है जलमग्न बचाव वाहन जो है का अनावरण हुआ है। दोस्तों आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान मतलब ENC में गहरे पानी से बचाव कार्यों को अंजाम देने के लिए डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल मतलब गहन जलमग्न बचाव वाहन जो है का अनावरण हुआ है। दोस्तों ये आप इमेज में देख सकते हैं, यही वाहन जो है अभी लॉन्च कर दिया गया। तो दोस्तों ये नौसेना कमान में हुआ है, तो नौसेना के प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो नौसेना प्रमुख कौन है? तो एडमिरल करमवीर सिंह जो हैं अभी वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं, आप ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ चेदड़ू योजना शुरू कर दी है? तो दोस्तों अभी ये योजना जो है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू कर दी है। दोस्तों ये जगनमोहन रेड्डी जी ने COVID-19 महामारी के कारण अपनी आजीविका जुटाने में असमर्थ टेलर्स नाई और वाशरमैन की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू कर दी गई है, तो आप ये भी याद रखेंगे। दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने पिछले क्वेश्चनों में बता दिया है, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है? अमरावती है, इसके CM जगनमोहन रेड्डी हैं और गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन इसके गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों अभी OECD एक वित्तीय जो है संस्था है, उसने 3.7% तक भारतीय अर्थव्यवस्था को सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। दोस्तों ये OECD का फुल फॉर्म जान लेते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट इसका जो है पूरा नाम है, हिंदी में क्या बोलेंगे? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन इसका जो है हिंदी में नाम है, तो आप ये भी याद रखेंगे। दोस्तों OECD की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी, और इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने COVID-19 के लिए सोहो जोधा जो है ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क शुरू कर दिया? तो दोस्तों अभी बांग्लादेश ने
ये सोहो जोद्धा ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क जो है शुरू कर दिया है। दोस्तों इससे जो नेटवर्क कारण कोविड-19 उपचार से ठीक हुए रोगियों के प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा जो है ऑनलाइन नेटवर्क बन जाएगी। मतलब जो कोविड-19 जो उपचार से ठीक हुए हैं रोगी उनके प्लाज्मा को एक्सचेंज जो है आसानी से किया जा सकेगा। दोस्तों ये प्लाज्मा थेरेपी के कारण ही अभी कोविड-19 जो रोगी हैं उनको ठीक करने के लिए वैज्ञानिक निरंतर काम कर रहे हैं और भारत में भी ये जो है शुरू हो गई है। तो आप इतनी चीज़ें इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। दोस्तों बांग्लादेश के बारे में जानते हैं, तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका है और करेंसी क्या है, तो करेंसी टका है और वर्तमान में इसके पीएम कौन है, तो शेख हसीना इसकी पीएम। आप इतनी चीज़ें याद रखिएगा। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का जो है सेशन समाप्त होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।